चली जी हाँ यहीं पे औरतों की नीलामी होने वाली जी अरे पुष्पा जी अरे आप खुद एक औरत हैं ऊपर से आप पुलिस वाली हैं और ऊपर से आप इतनी खूबसूरत हैं बाखुदा अरे हमें आपसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी भाई नवाब साहब ये सब नकली हैं नकली बोली नकली लोग सब नकली एक मुजरिम को पकड़ने के लिए हमने ये जाल बिछा के रखा है और उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है अरे लेकिन हम क्यों क्योंकि आप पे कोई शक नहीं करेगा क्यों क्योंकि आप शक्ल से लगते हैं सलाम वालेकुम नवाब साहब वालेकुम सलाम आप दोनों कौन अरे हमें पहचान नहीं हम इकबाल इकबाल द बिजनेस टाइकून ऑफ बिरयानी वर्ल्ड ये दोनों मनहूसों को यहाँ आपने क्यों बुलाया पुष्पा जी हमने कोट पैंट पहनने के बावजूद भी मुंह पे बेइज्जती कर रहे मिशन कैंसिल अरे अरे रुको 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 तुम दोनों अच्छा पुष्पा जी नवाब साहब आप जो करने के लिए आए हैं वो कीजिए ना अरे तो वही तो कर रहे हैं पुष्पा जी का? मदद मदद करने के लिए आए हैं ना आप तो सिर्फ मदद कीजिए हमारी जी, जी, जी. हाँ. बिल्लू उस लड़के को लेकर आता ही होगा सीधे लेफ्ट 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 क्या नवाब साहब भी एक मिनट हाँ बोलो बोलो को इस तरह हाँ बोलिए जी बोलिए अच्छा मेरे को बताओ वो अटक लगा हुआ पहुंचा क्या उधर नहीं ना अभी तक नहीं आया वो हम भी कब से उसका इंतजार कर रहे पता नहीं कहाँ अटक गया है अच्छा मेरे को भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा दो चार महीने में पता चलेगा तो बताएंगे रख फोन होप कि राहुल को बिल्लू पर शक ना हो जाए वरना बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा और आगे जाके वो रुक चुका है कहाँ संतु कहाँ सीधा लेके पहला राइट चीजे थोड़ा सा आगे वो वहीं पर है राइट लो मैडम वो ये देखिए मैडम इतना चालू निकला ये अपना फोन यहाँ छोड़ कर गया है अब कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा अरे कहाँ है वो आपका जला हुआ वो कबाब अरे वो कब आएगा कब वो प्लान होगा और कब हम जो है नीलामी की बोरी लगाएंगे हाँ पुष्पा जी देखिए यहाँ बोरी लगाने के लिए आप बिठा रखा है दुकान पे हम किसी और को बिठा के आए नुकसान हो रहा है अमा भाद हम कुछ बोल नहीं रहे तो हमारे सर पे चढ़ के नाच रहे दोनों बैठो और नवाब साहब आप पुष्पा जी बस थोड़ी देर और बिल्लू आता ही होगा बिल्लू का मैसेज आप लोग तैयार हो जाएंगे नाटक के लिए हाँ, हाँ, हाँ। अब बताइए आपको क्या बात करनी आखिर बख्शी सर हमें सबसे सच बताने से क्यों रोक रहे हैं ऐसी कौन सी बड़ी इन्फॉर्मेशन आने वाली है उनके पास जी बोलिए हार्ड डिस्क कहाँ है हसीना जी हार्ड डिस्क कौन सा हार्ड डिस्क वही जिसके बारे में हमने आपको फोन पर बताया था इन हालात में डिस्क के बारे में अनुभव से बात करना सही होगा क्या सोच रही हसीना जी हमने पूछा कि हार्ड डिस्क कहाँ है हमें वो हार्ड डिस्क दीजिए प्लीज आप सिर्फ हार्ड डिस्क के बारे में बात करना चाहते हैं जी इस समय हम वही महत्वपूर्ण समझते हैं प्लीज Can I have the hard disk? देखिए दरअसल करिश्मा सिंह क्या आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं हम एकांत में हसीना जी से वार्तालाप करना चाहते हैं मेहरबानी करके आप बाहर जाएंगी हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं शायद आपने ठीक से नहीं सुना करिश्मा सिंह हमने कहा कि क्या आप प्लीज बाहर जा सकती हैं हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं भैया हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है हमें आपको ये बताना है कि आप जिसे
हसीना मैडम समझ रहे हैं ना, वो हसीना मैडम नहीं है। ये हसीना मलिक नहीं है, उनकी हमशक्ल है। हमारा सर भी ऐसे ही चकरा गया था जब हमें पता चला था कि ये हसीना मैडम नहीं है। हमने पहली बार इनको अपनी आंखों के सामने देखा, ऐसा लगा हू बहू हसीना मैडम। लेकिन फिर पता चला कि ये तो मुंबई में ही पली बड़ी है, वहीं पैदा हुई है और इनका खानदानी धंधा है वो वड़ा पाव का, और ये वहीं चलाती है, हमको वहीं मिली थी। सॉरी। तो आप कह रही हैं कि ये हसीना जी की हमशक्ल है, ओके? मान लेते हैं। तो अगर ये हसीना जी की हमशक्ल है तो हसीना जी कहाँ है? मैडम सर इस दुनिया में ही नहीं है, वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है भैया। देखिए भैया, ऐसा हुआ था कि हमारे सामने बोलते हो कि मैं तुम लोग के साथ ए हसीन दिलरुबा बन के लखनऊ लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ। हमें मालूम है ये बहुत मुश्किल है इस बात को हजम करना कि अब हसीना मलिक हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है भैया। आज समझ में आया मौत से बदतर क्या होता है, जीते जी अपने ही मौत का दर्द अपनों के चेहरे पर देखना। जरूरत है आपके भाई को, आपके चाहिए, संभालिए उन्हें। नहीं पुष्पा जी, कुछ दर्द जो होते हैं ना वो बांटे नहीं जाते, उनका सामना खुद ही करना पड़ता है, जैसे हम कर रहे हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।